कपड़ों की दुकान पर सेट बनकर बैठी गाय की ये तस्वीरें हैं मंदसौर की, जहां सदर बाजार में मांगीलाल पोरवाल की कपड़ों की दुकान है। ये गाय यहां कई सालों से आकर सेठ की जगह बैठ जाती है और 1.5 से 2 घंटे बैठने के बाद चारा खाकर खुद ही उठकर चली जाती है। गाय अपने साथ अपने बछड़े को भी लाती है। खास बात यह है कि गाय का बछड़ा पूरी दुकान में चहलकदमी करता है, लेकिन दोनों ही किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते। कपड़ा व्यापारी का कहना है कि इसी गाय की कृपा से उनका व्यापार चल रहा है। संजय भाई, एक बात बताओ, ये गाय कब से आ रही है? ये जब से छोटी है, 5-7 साल हो गए हैं, लगातार आती है। ये आके ऊपर यहाँ पूरी दुकान के अंदर घूमती है, फिर आके उस जगह जहाँ मैं बैठता हूँ आके मेरे पास बैठ जाती है। तो और किस किस तरह से आप काम करते हैं? और हमारा रेगुलर जो काम चलता है वो चलता है, ग्राहकों को परेशान नहीं करती है, बैठते ही है, ये यहाँ पे बैठी रहती है, ग्राहक भी आ जाते हैं इसको अलग से होके। हाँ। और ये किसी तरह से इसका कीड़ा भी रहता है? हाँ रहता ना सर। हाँ। दोनों साथ आते हैं ये जी। तो किसी तरह की परेशानी है कुछ आई है? नहीं, ऐसे अभी तक तो नहीं आई है। ऐसा? अभी तक तो नहीं आएंगे सर। ठीक है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को सबको सेवा, गाय की सेवा करना चाहिए उसको। ठीक है, तो और भी जानते हैं लोग, और भी यहाँ बैठे हैं जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि भैया आपका नाम क्या है? पवन। कौन भी आप कहाँ रहते हैं? मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ शॉप पे काम करता हूँ। मैं रोज देखता हूँ कि गौ माता आती है यहाँ पे, छोटी थी जब के आती है, और इनको रोटी भी खिलाते हैं, यहीं बैठी रहती है। आप क्या कहेंगे? बढ़िया है, यही बैठी रहती, किसी को परेशान नहीं करती, अपना काम से काम बस, बाकी सब गिरा खाते रहते, यही बैठी रहती। दुकान संचालक का कहना है कि जब ये 6 महीने की थी तभी से यहाँ रोज आकर बैठती है। उनका कहना है कि वह इस गाय को लक्ष्मी जी की तरह पूजते हैं। जब से इस गाय ने दुकान में आकर बैठना शुरू किया है तब से हमने कभी इसको भगाने का भी प्रयास नहीं किया। फिलहाल ये गाय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मंदसौर से आकाश चौहान की रिपोर्ट है अभी तक।